समाचार बुंदेलखंड में आपका स्वागत है। रुख करते हैं झांसी की खबरों पर। झांसी में बासपा ने 9 दिन पहले झांसी ललितपुर लोकसभा सीट से राकेश कुशवाहा को प्रत्याशी घोषित किया था। बुधवार को पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते उन्हें निष्कासित कर दिया गया है। वहीं झांसी जिलाध्यक्ष भी बदल दिया गया है। पार्टी के इस कदम को लेकर कई तरह की चर्चाएं हो रही है। बता दें कि झांसी ललितपुर लोकसभा सीट से 9 अप्रैल को बुंदेलखंड प्रभारी लालाराम अहिरवार ने पर्वत सागर के राकेश कुशवाहा एडवोकेट का नाम घोषित किया था। इस घोषणा के अभी 10 दिन भी नहीं हुए और पार्टी ने उन्हें निष्कासित कर दिया है। जिलाध्यक्ष जयपाल अहिरवार को भी पद से हटा दिया गया है। नए जिलाध्यक्ष बीके गौतम ने पत्र जारी कर बताया कि प्रत्याशी राकेश कुशवाहा पर अनुशासनहीनता व पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त होने के आरोप थे। इस संबंध में उन्हें चेतावनी भी दी गई थी। पार्टी ने जांच कराई तो आरोप सही पाए गए। इसको देखते हुए पार्टी की ओर से राकेश कुशवाहा को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। अब वे पार्टी के प्रत्याशी नहीं होंगे। तो क्या लगता है कि इस कदम को लेकर सुंदर खाने कुछ खास तो नहीं चल रहा है? ये बड़ा कदम है। नहीं, ऐसा पार्टी के अंदर कोई विवाद नहीं है, क्योंकि मैं आपको बता दूं, बहुजन समाज पार्टी से व्यक्ति व्यक्ति से नहीं जुड़ता है, वो विचारधारा से जुड़ता है। किसी भी समाज का, किसी भी धर्म संप्रदाय को मानने वाला व्यक्ति हो, वो बहुजन महापुरुषों की विचारधारा को मान के बहुजन समाज पार्टी से जुड़ता है। व्यक्ति चाहे कि मेरे जाने से कुछ हो जाएगा तो कुछ नहीं होता है। आज तक के इतिहास में आप देख लीजिए, बहुजन समाज पार्टी से तमाम लोग गए, लेकिन यहाँ से बड़े नेता वहाँ धूल में मिल गए। और बहुजन समाज पार्टी में एक इतना सा आदमी को अगर ला के खड़ा कर दिया तो वो यहाँ पर विधायक सांसद भी बन गए। आपने देखा होगा, तमाम पूरे मंडल में, पूरे प्रदेश में आप देखेंगे तो मिल जाएंगे ऐसे लोग आपको। ऐसी भी चर्चा है कि जो प्रत्याशी को निकाला गया है उनका कहना है कि उनको मालूम ही नहीं है, कोई जानकारी तो नहीं बोल सकता। कैंडिडेट को ऐसा लगेगा, क्योंकि कैंडिडेट से तो पूछा गया कि भाई आप कहाँ हो, उसको तो लखनऊ बुलाया गया, लखनऊ में मिल के आया कैंडिडेट, तो ये कैसे कह सकता कि हमें बताया नहीं गया। बी टीम का तमगा हम लोग हटाना चाह रहे हैं। आपको अगर देखा जाए, अगर आप स्पष्ट राजनीति की विवेचना करेंगे तो उसमें आपको दिखेगा कि कौन सा दल भारतीय जनता पार्टी की बी टीम की काम बात करता है या काम कर रहा है उसके हिसाब से। बहुजन समाज पार्टी हमेशा से अपने महापुरुषों के आंदोलन को लेकर आगे बढ़ी है और आंदोलन और विचारधारा के हिसाब से ही काम किया है। हो सकता है कि बहुत जल्द आपके बीच में जिस समाज का प्रत्याशी का टिकट कटा है, हो सकता है उसी समाज का दूसरा कैंडिडेट आपके सामने आ जाए। क्या लगता है कांग्रेस से माना जा रहा है तो कहीं ना कहीं बसपा अपने आप कहां खड़ा? मैं आपको एक चीज बता दूं, आप लोग ज्यादा अच्छे एनालिसिस करेंगे उसको। पिछला लोकसभा का चुनाव जहां कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों लोगों ने अलग अलग लड़ा, वहां अगर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के वोटों को मिला दिया जाए तो पूरे प्रदेश के अंदर मात्र 3 सीटें ऐसी होंगी जिनमें इन दोनों लोगों का वोट जोड़ दिया जाए तो भारतीय जनता पार्टी के वोट को ये लोग पार कर पाए। लेकिन बहुजन समाज पार्टी ऐसी एकमात्र पार्टी है इस देश के अंदर कि उसका हर सीट पर जो उसको बेस वोट माना जाता है, कम से कम 2.5 से 3 लाख का वोट उसका होता है। और अगर हम लोग कोई अच्छा कैंडिडेट, चर्चित कैंडिडेट लेके आ जाते हैं जिसका समाज में, अन्य समाजों में भी अच्छी पकड़ होगी, तो हमारा कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को बहुत ज़्यादा टक्कर देगा। और जो गठबंधन के कैंडिडेट की आप बात कर रहे हो या जो मीडिया दिखा रही है कि भाजपा का मुकाबला कांग्रेस और सपा के गठबंधन प्रत्याशी है, उस कैंडिडेट के पास तो वैसे भी संख्या बल बहुत कम है। ये राकेश कुशवाहा जी किस पार्टी से आपकी पार्टी में आए? देखिए मानवर, जो मेरा व्यक्तिगत मानना ये है कि मुझे ऐसा लगता है वो समाजवादी पार्टी के संपर्क में थे और बसपा में आने के बाद भी उन्होंने शायद संपर्क वहाँ से नहीं छोड़ा, ऐसी सूचनाएं मानी बहन जी तक पहुंची होंगी। इसी का संज्ञान लेते हुए मानी बहन जी ने ये निर्णय लिया। क्या कुछ वक्त परिवर्तन किए बहन जी ने? हाँ, बहन जी ने जो है कुछ जो हमारे साथी कोऑर्डिनेटर थे ज़्यादा लंबा क्षेत्र देखते थे, क्योंकि जब बहन जी के पास एक संज्ञान में पहुँचा कि गलत आदमी को टिकट क्लियर हो गया, तो उनको लगा कि शायद हमारे साथियों का दायरा बहुत बड़ा था, वो अच्छी तरह से नहीं देख पा रहे थे बड़े दायरे को, इसलिए उन्होंने थोड़ा सा और इलेक्शन को देखते हुए उसको बाइफरकेट करते हुए कम क्षेत्र दे दिया है। तो यही परिवर्तन किया है कि जो आदमी 2 मंडल देख रहा था उसको 1 मंडल देखने के लिए, या जो पूरा मंडल देख रहा था उसको 1 जिला देखने के लिए, इस टाइप से काम बांट दिया गया है। लोकसभा चुनाव का नामांकन होने वाला है मनवर, पार्टी ने जो प्रत्याशी घोषित किया था जिस उद्देश्य के लिए कि इस लोकसभा में कुशवाहा समाज, अगर जो पार्टी का वॉइस वोट जिसको मानते हैं, उसके बाद अगर समाज की स्थिति देखी जाए तो कुशवाहा समाज की संख्या बहुत अच्छी है झांसी लोकसभा में। जब झांसी लोकसभा में उनकी समाज के तमाम लोगों ने ये कहा कि जो किसी जिस कैंडिडेट को आपने घोषित किया है उसके साथ समाज नहीं आ पाएगी, और हमने उस व्यक्ति को भी देखा कि 1 हफ्ते के अंदर वो भी क्षेत्र में उस हिसाब से नहीं गया जिस हिसाब से जाना चाहिए था। ये शिकायतें जब बानी बहन जी के पास पहुंची तो बानी बहन जी ने संज्ञान लेते हुए उनको जो है टिकट
उनका कैंसिल किया, और चूंकि पूर्व में उनके जो संबंध रहे हैं और वर्तमान में भी लोगों के साथ शायद पुराने ताल्लुकात वो नहीं छोड़ पाए होंगे, उसको दृष्टि रखते हुए उनको पार्टी से निकालने का माननीय बहन जी का आदेश रहा। तो क्या लगा कि अनुशासनहीनता है, पार्टी गतिविधियां हैं या सरकार या कोई और बड़ा था? पार्टी अनुशासनहीनता तो आप मान लीजिए कि जैसे पार्टी संगठन आपसे कह रहा है कि आपको क्षेत्र में जाना है, आपको ऐसे काम करना है, आपको ऐसे लोगों से मिलना है, और अगर आप नहीं मिल रहे हो, आप घर से बाहर ही नहीं निकल पा रहे हो सही समय पे, तो ये कहीं ना कहीं अगर पार्टी के जो भी पदाधिकारी हैं अगर आप उनकी बात का संज्ञान नहीं ले रहे हैं, अपने हिसाब से काम करना है, तो ये भी एक पार्टी की अनुशासनहीनता के दायरे में आता है। एक और चर्चा कर दी कि कहीं ना कहीं अल्पसंख्यक से हमेशा प्रत्याशी है, भाजपा से है, जिस तरह से पिछले वाले प्रत्याशी आपने उतारा, तो कहीं ना कहीं जो दूसरी पार्टियाँ थी वो अपने आप को थोड़ा सा दबाव महसूस कर रही थी, और भी जो प्रत्याशी बदला गया है ये उसी दबाव के चलते ही बदला गया? नहीं, उस दबाव के चलते नहीं बदला गया है।